अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जीएम इलेक्ट्रॉनिक टेक, मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं गुलाम मुस्तफा। आज मैं आपको ये एयरपोर्ट है आईफोन का, उसको डेड कंडीशन में है, इसकी चार्जिंग का मसला भी हो सकता है, बैटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसको कैसे ओपन किया जाता है और इसको कैसे रिपेयर किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। उससे आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर न्यू व्यूअर है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाओ ताकि नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बारोके मिल सके। ये सबसे पहले ये देखें, इसकी इंडिकेशन है, ये भी नहीं चल रही और बटन से भी कुछ इंडिकेशन वगैरह नहीं चल रही। और सबसे पहले इसको चार्जिंग लगा के देखते हैं। ये देखें, चार्जिंग की लाइट चल रही है इधर भी इधर भी, लेकिन ये वर्किंग नहीं कर रहा, मतलब ये काम नहीं कर रहा। इसको खोल के चेक करते हैं कि आज सर्किट में कोई प्रॉब्लम है या बैटरी वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, तो खोलते हैं इसको। सबसे पहले कोई जो भी आप बारीक चीज़ है, नाइफ वगैरह छोटी या छोटा कार्ड वगैरह लेके इसके साइड और इस टाइप की कोई छोटी चीज़ लेके हल्का हल्का पुश करेंगे दोनों साइडों से ऊपर को, ये देखिए थोड़ा ऊपर आ गया। अब इसको यहाँ से स्लो 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 ऊपर खींचेंगे ताकि ये खुल गया। देखिए ये इसका सर्किट है सारा, ये चार्जिंग पिन तो ओके है और ये पीछे बैटरी लगी है। सबसे पहले बैटरी की इधर वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज बैटरी के अंदर कुछ वोल्टेज हैं या नहीं है। अगर बैटरी के अंदर वोल्टेज नहीं है, डेड कंडीशन में है, तो फिर बैटरी चेक करेंगे और बैटरी को रिप्लेस करेंगे। ये आ गया मेरा मल्टीमीटर, यहाँ से मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ बैटरी के। बैटरी के ये दो पॉइंट जी, ये सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर वोल्टेज जो है बिल्कुल नहीं आ रहे, डेड कंडीशन में है, ठीक है, अभी ये चार्ज नहीं हो रही। अभी इसको चार्जिंग वाला जैक लगा के फिर देखते हैं इधर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए लाइट चल रही है, अभी इधर वोल्टेज देखते हैं। देखो 3.7 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, इट मीन हमारा सर्किट जो है चार्जिंग सर्किट जो है हमारा ओके है, लेकिन ये सर्किट के जो बैटरी है ये जो है प्रॉब्लम कर रही है, तो उस बैटरी को ओपन करके रिप्लेस करते हैं इसको। सबसे पहले इसके ऊपर ये वायरलेस की चार्जिंग की कॉइल लगी, इसको हटाएंगे और इसको बैटरी को हटा लेंगे। तो ये बैटरी थोड़ा फूली हुई है, ये देखें यहाँ से बैटरी ख़राब हो गई है, लीकेज हो गई है। ये बैटरी है 3.7 वोल्ट 400 मिली एम्पीयर। अभी इसको ओपन करते हैं कागज़ से, अभी हमारे पास एक इसके साइज़ की बैटरी किसी और सर्किट से निकाली हुई है, ये देखें। ये ख़राब वाली है, ये सही वाली, देखो बैटरी का
3.3 वोल्ट आ रही। ये ओके है, ये ख़राब है और ये ओके है जी। और अभी बैटरी आपको चेक करवाई, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं उसमें नहीं आ रही, ये डेड कंडीशन में हो गई है। तो अभी इसकी बैटरी चेंज करके फिटिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर ये लग गई। इसके ऊपर ये लगा देते हैं। इसके ऊपर ये हो गया। अभी इसको एक बार चार्जिंग लगा के चेक करते हैं। चार्जिंग लगा के ये देखें, ठीक है। अभी इसको फिट करते हैं। ये इसका स्विच वाली साइड है, ये वाली साइड है और ये कॉइल वाली साइड, ऊपर वाली साइड है। स्लो स्लो करके इसको पुश करेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए ये 100% ओके होगी, इसकी बैटरी हमने रिप्लेस कर दी जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाओ ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।